You are watching Poonch Live. कुछ भी जो भी मैंने आपको पढ़ाया उनसे कुछ भी सबको बोलो हां जी सब बेसिकली अभी मैं आई तभी बोल रही थी मैं रीडिंग का कोर्स स्टार्ट हुआ चलिए आप एग्रीकल्चर का कोर्स कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्लस वेटनरी का भी जैसे मैडम ने डेयरी का भी कुछ नहीं आता सारे प्रोफेशन आ जाते हैं क्या क्या प्रोफेशन आते हैं जैसे आप बताएंगे मैंने आपको बताई थी ना सारी ब्रांचेज हाँ साइंस साइंस आती है ठीक है और चलिए आपको जब भी हम अब एग्रीकल्चर आप यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आए तो कुछ चीजें हम आपको दिखाएंगे कि फसलें कौन कौन सी अभी हमने लगाई हुई हैं आपको खरीफ फसलों के बारे में बताया गया होगा आपको रबी की फसलों के बारे में बताया गया है के घर में खेती बाड़ी है अच्छा खेती बाड़ी हर एक के घर में है तो हॉर्टिकल्चर में हम क्या करते हैं कोई बता पाएगा बच्चा इसी तरह एग्रोनॉमी में हम क्या करते हैं जो फील्ड क्रॉप्स होती है मेरा नाम तबसिया अमीन है तो मैंने स्क्वास्ट जम्मू से पीएचडी कंप्लीट किया है पैथोलॉजी में तो रिसेंटली मुझे 2 मंथ्स हुए हैं एज ए वोकेशनल ट्रेनर गवर्नमेंट हाई स्कूल दारा मोरा में मैं अपॉइंट हुई हूँ तो यहाँ पे इन्होंने स्कूल एजुकेशन वालों ने थ्रू कंपनी एक ट्रेड यहाँ पे स्कूल एजुकेशन में इंट्रोड्यूस किया हायर सेकेंडरी एंड हाई स्कूल में जहाँ के एग्रीकल्चर को एज ए वोकेशनल ट्रेनर कोर्स भेजा है जहाँ बच्चों को रिलेटेड टू एग्रीकल्चर ट्रेनिंग देते हैं आज की ये विजिट है ये हमारे कोर्स में है कि बच्चों को रिलेटेड टू एग्रीकल्चर हमें केवीके जो केवीके ही मेन सेंटर माना जाता है जो कि फार्मर्स को थ्रू मतलब जो साइंटिफिक नॉलेज होती है जो फील्ड तक हम लेके जाते हैं तो इसलिए आज मैंने केवीके को चूज़ किया क्योंकि केवीके में हर वो चीज़ जो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर है टेक्नोलॉजी सीड्स हर चीज़ अवेलेबल है जो बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट है जिससे ये अब जब खुद आके ये ट्रेनिंग करेंगे देखेंगे तो उनके लिए फ़ायदा होगा और वो फर्दर सोसाइटी में अपनी फैमिली में हर जगह जाके उसकी फर्दर डेमोंस्ट्रेशन भी कर सकते हैं तब मुझे लगता है अगर हम बच्चों को दिखाएंगे लर्निंग बाय डूइंग जो हम करते हैं ना या जब हम जो चीज़ें टेक्नोलॉजी के थ्रू जो अवेलेबल है फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन करते हैं या फील्ड में जो टेस्टिंग करते हैं जो उनको प्रैक्टिकली नॉलेज देते हैं उसको बच्चों को एटलीस्ट 80% तो होगी 100% मतलब 80% तो इनको फ़ायदा होगा। डॉक्टर अजय गुप्ता हेड कृषि विज्ञान केंद्र पुंछ आज हमारे यहाँ दरा मोड़ा सुरनकोट से एग्रीकल्चर ट्रेड के कुछ विद्यार्थी आए हुए हैं आजकल स्कूलों में जो है वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स चल रहे हैं जिसमें एग्रीकल्चर और डेयरी पे भी कोर्सेज चल रहे हैं तो इसी संदर्भ में अलग अलग स्कूलों से बच्चे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आते रहते हैं और आज इस उपलक्ष्य में कृषि विज्ञान केंद्र में एक एग्जीबिशन एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है जिसमें इनको अलग अलग इम्प्लीमेंट्स अलग अलग हैंड टूल्स अलग अलग बीजों की और जो इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर सब के बारे में जानकारी दी गई इसके अलावा इनको फील्ड विजिट भी कराया गया जिसमें हमने पॉली हाउस यूनिट दिखाया है इनको मदर ब्लॉक दिखाया है पिकरनट का वालनट का और इसके अलावा एप्रिकॉट का जो मदर ब्लॉक दिखाया और इसके अलावा जो हमारी कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो कुछ वैरायटीज डेवलप की गई हैं उसको उन फील्ड्स को भी दिखाया गया मुझे उम्मीद है कि इस टूर से बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिकली जो एग्रीकल्चर के संबंध में जो कृषि से संबंधित पूरी जानकारी आज प्रोवाइड की गई इसके अलावा इनको एक लेक्चर भी प्रोवाइड किया गया जिसमें एग्रीकल्चर के बारे में बच्चों को पूरी जानकारी दी गई।